जैन सर जी, कांग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो। शादी? हाँ, किसकी? तेरी, डॉक्टर नंदिनी के साथ। सही बोला। बैंगलोर में मेरी शादी है, ITC गार्डन या होटल ताज बुक करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, 2000 भारतीयों को इन्विटेशन दिया है। ओके, वेज और नॉन वेज खाना होगा और कॉकटेल पार्टी भी, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए नॉर्थ इंडियन स्टाइल का बढ़िया पंजाबी खाना भी होगा। वाह, ये गलत है पाजी, इतना अरेंजमेंट कब किया ये तो बताओ पाजी। अरे अरेंजमेंट तुम करोगे पाजी, मैं थोड़े ना करूंगा। बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो पाजी। शादी कंफर्म है, आपके लिए एक लेटर है। हां, ओए आ गया, बाजू वाले टेंट से लव लेटर आ गया। वो दोनों मिलके डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। थैंक यू जय सर। क्या लिखा है? जोर से पढ़ो सर, हमें भी तो बताओ उस लेटर में क्या लिखा है। अरे सर तो छुपी हो गया लगता है, लेटर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। अरे 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 जल्दी पढ़ क्या लिखा है बता ना। ओए रुक जाओ यार, जल्दी पढ़, ठंड लग रही है यार। क्या हुआ था? इट्स क्लियर, ही कमिटेड सुसाइड। मेरे भाई की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी और ना ही वो कायर था कि वो खुदकुशी कर ले। क्या हुआ था राम? मैं जानता हूं तुम दोनों कितने करीब थे। आई अंडरस्टैंड, वो मेरी बहन का सुहाग था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं वहां मौजूद था। लेट्स बी प्रैक्टिकल राम, चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड करने से क्या फायदा। भाई होने के नाते मुझे पूरा हक है यह जानने का कि मेरे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था। प्रैक्टिकल होकर बात करूं तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, पूछ रहा हूं, व्हाट हैपेंड? सर हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, हमें बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। जो ऑफिसर हमसे पंगा लेता है वो आइंदा कभी दिखाई नहीं देता है। अगर तुम में से कोई मर्द का बच्चा है, किसी में दम है तो गिराओ बिल्डिंग। हम नहीं गिराएंगे सर, लेकिन हमारे नए DC वो आपको छोड़ेंगे नहीं। कौन है वो जोकर? आपने सिर्फ पुलिस की वर्दी पर स्टार्स देखे होंगे, लेकिन इनकी किस्मत में स्टार्स है। अन्याय भी जिनसे कांपता है, न्याय के ऐसे महान देवता है वो। कौन है तू? तुझे इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे जान सके। शायद तू ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तू वो गुंडा है जो जमीन हड़प कर उसी जमीन पर बिल्डिंगें बनाता है। ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़। ए, 5 साल पावर में रहकर जब तुझमें इतना घमंड आ सकता है तो 158 साल पावरफुल पोस्ट में रहने वाले मुझमें कितना घमंड होगा। सुनो इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ड्यूटी में रुकावट और उन्हें धमकाने के जुर्म में इसे अंदर डालो। पागल हो गया है क्या?
एक बार और सोच ले। सोचना तब पड़ता है जब गलत काम करना हो। सही काम करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आईएएस ऑफिसर हो कोई साधु नहीं। मुझसे पंगा लिया तो मार डालूंगा। ऑफिसर सर, बिल्डिंग डिमोलिश कर दो। ओके सर। कुछ दिनों बाद वो कॉर्पोरेटर जेल से छूट गया और तुम्हारे घर के बाहर आकर हंगामा करने लगा। चल बाहर आ ना, चूड़ियां पहनी क्या? मम्मी, ए छोड़ो रे, ए तू बहुत पछताएगा। मैं तुझे और तेरे परिवार को मार दूंगा। तुम्हारा भाई बड़ा गुस्से वाला था। जब उसे इस बात का पता चला तो वो बदला लेने कॉर्पोरेटर के घर चला गया। उसके सर पर खून सवार था। उसने कॉर्पोरेटर की गन से उसी को मार डाला। मर्डर केस में उसे अरेस्ट कर लिया गया। मैंने उसकी बेल करवाई और उसे घर ले आया। और अगले ही दिन उसने खुदकुशी कर ली। लुक, इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है। तुम्हारा क्या कहना है? ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। फिजूल की बात मत सोचो, तुम ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। पूरा कमरा सबूतों से भरा है सर। व्हाट डू यू मीन? एविडेंस नंबर वन, भाई के पर्सनल कमरे के टेबल के बगल वाले पर्दे। आज भी मुझे उनमें से गांजे की बदबू आ रही थी। इसका मतलब उस कमरे में जो भी रहा होगा उसकी हाइट 6'2" या 6'3" रही होगी। एविडेंस नंबर टू, भाई के कमरे में रखा हुआ बीन बैग। उसमें ऐसा निशान तभी आता है जब कोई भारी या लंबा इंसान उस पर बैठा हो। इसका मतलब यह हुआ कि उस पर बैठने वाले इंसान का वजन लगभग 100 किलो होगा। भाई को धूल पसंद नहीं थी इसलिए वो खिड़की के पास नहीं बैठते थे। अगर बैठे भी होते तो उस पर इतना गहरा गड्ढा नहीं होता। एविडेंस नंबर थ्री, ये बताइए कि आपको भाई के कंप्यूटर पर किसी की उंगलियों के निशान मिले? रिपोर्ट के मुताबिक तो किसी के नहीं मिले। क्यों? नामुमकिन। उस पर भाई के फिंगरप्रिंट्स तो मिलने ही चाहिए थे। इसका मतलब उस दिन किसी ने इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था और पूरे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे। लास्ट एविडेंस है भाई के गले में लगा हुआ फंदा। आपने गांठ पर गौर किया? जिसने भी वो फंदा बांधा है वो लेफ्ट हैंडेड था जबकि भाई राइट हैंडेड थे। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सर, हो सकता है कि चूक जानबूझकर की गई हो। मैं आपके डिपार्टमेंट को दोष नहीं देता लेकिन बिना पुलिस के सपोर्ट के एक आईएएस ऑफिसर के मर्डर पर यूं पर्दा डालना बहुत मुश्किल है। राम, इस केस को मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा। जल्दी से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, मैं सत्यमूर्ति केस को रीइन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। 6.2, 6.3 हाइट वाले सारे क्रिमिनल्स के नाम चाहिए मुझे। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये डॉक्टर रविंद्र कहां मिलेंगे? उनका ऑफिस वहां है। वहां? थैंक यू। हाँ बोल। राम, डॉक्टर रविंद्र से मिलने आए हैं। मुझे डॉक्टर रविंद्र से मिलना है। रविंद्र सर तो 2 दिन की छुट्टी पर है। Go, you guys go. Okay. Mm-hmm.
Hey. तुम यहाँ कैसे? डॉक्टर रविंद्र से मिलने आया था। ओह, तो फिर मिले? नहीं, वो आज छुट्टी पर हैं। क्या? डॉक्टर रविंद्र आज छुट्टी पर हैं? किसी ने मजाक किया होगा। नो वरीज, कम, आई विल टेक यू देयर। मैंने कहा था ना, डॉक्टर यहीं मिलेंगे। हाय डॉक्टर, ये आईएएस ऑफिसर सत्यमूर्ति के छोटे भाई हैं। ही वांट्स टू मीट यू। मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, कैन आई? ऑफ कोर्स। थैंक यू। या, बैठ सकता हूँ? थैंक यू। मेरे भाई, आईएएस सत्यमूर्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आपने बनाई, मैंने पढ़ी। What about it? Nothing. अगर कोई लटक कर सुसाइड करता है तो उसके गले पर वी मार्क होता है। अगर कोई जबरदस्ती फंदा डाले तो ओ मार्क होता है। मेरे भाई के गले पर ओ मार्क था। रिपोर्ट तो सही है ना? कहना क्या चाहते हो? कोई कुछ भी कहेगा और मैं रिपोर्ट बदल दूंगा? मैंने ये कब कहा? ये तुम खुद कह रहे हो। देखो, तुम आर्मी ऑफिसर हो तो अपना दिमाग बॉर्डर पर लगाओ। मुझे यहाँ भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो जाके पुलिस में रिपोर्ट करो। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। अब तुम जा सकते हो। बिना कुछ बोले भी तुमने बहुत कुछ बोल दिया। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। कबूतर उड़ गया। तुम कहाँ उड़ रही हो? बात हो गई? हाँ। दाल में कुछ तो कला है बॉस। 1947 का डायलॉग मारना बंद कर। लगा था ये दोस्ती बॉर्डर पे ही शहीद हो जाएगी, बट इसकी डेयरिंग तो देखिए बॉस, ये हॉस्पिटल तक आ गया। तो कितना नेगेटिव सोचता है यार, ये हॉस्पिटल है, उसका पेट खराब होगा इसलिए आया होगा। किस्मत भी आपका किस्मत से साथ नहीं दे रही है। अरे वो तो दिखने में सुपरमैन जैसा है और आप हो कि उसको पेशेंट बोल रहे हो। Can I have your number? बॉस उसका नंबर ले रही है। मैं फोन यूज नहीं करता। Your home address, residence number, anything? घर शिफ्ट करने वाला। आप एक नंबर के भोले भंडारी हो। सबसे पहले शुरुआत होगी चैटिंग से, चैटिंग के बाद फिर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद शॉपिंग होगी, फिर वो उसको घर लेने और छोड़ने आएगा और उसके बाद शादी की बात चलेगी और फिर अब शिफ्ट होने के बाद घर का एड्रेस देना मत भूलना। या श्योर, थैंक्स, बाय बाय। भूलना मत हां। No. देश का जवान है इसलिए छोड़ दिया, वरना उसकी जवानी बर्बाद कर देता।